हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें जैसे यह किताब उस किताब से 100 गुना अच्छी है, मैं तुमसे कई गुना अच्छा हूँ, वह तुमसे 100 गुना अच्छी है। तो चले देखते हैं कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, 100 times इसके मीन्स होता है 100 गुना, सेवरल टाइम्स इसके मीन्स होता है कई गुना। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा गया है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर 100 times या सेवरल टाइम्स, फिर कंपरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है, यह मिठाई उस मिठाई से कई गुना अच्छा है, ऐसा कोई कह रहा है। तो देखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, दिस स्वीट इज सेवरल टाइम्स बेटर देन दैट। अगला वाक्य देखिए, यह किताब उस किताब से 100 गुना अच्छी है, यह किताब उस किताब से 100 गुना अच्छी है। दिस बुक इज 100 times बेटर देन दैट, दिस बुक इज 100 times बेटर देन दैट। यह कुर्सी उस कुर्सी से कई गुना आरामदायक है, यह कुर्सी उस कुर्सी से कई गुना आरामदायक है। तो दिस चेयर इज सेवरल टाइम्स मोर कंफर्टेबल देन दैट, ऐसा कोई कह रहा है कुर्सी के बारे में। अगला वाक्य देखिए, मैं तुमसे कई गुना अच्छा हूँ, वो कह रहा है मैं तुमसे कई गुना अच्छा हूँ। तो आई एम सेवरल टाइम्स बेटर देन यू, आई एम सेवरल टाइम्स बेटर देन यू। गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।